Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ होंडा SP160 के बारे में। दो वेरिएंट्स मिलते हैं इस बाइक पे, डुअल डिस्क और सिंगल डिस्क। ये सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट है। तो आज की इस वीडियो में चलिए सब कुछ जान लेते हैं इसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, किस प्राइस सेगमेंट में है ये बाइक और इसकी कॉम्पिटिशन में और कौन सी बाइक्स है, और आखिर में मैं बताने वाला हूँ कि उन बाइक्स को छोड़ के हमें इसे क्यों लेना चाहिए या फिर इसे छोड़ के हमें उन्हें क्यों लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। और स्पेशल थैंक्स टू अधिकारी ऑटोमोबाइल्स जडेसर। अगर आपको शोरूम का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो नीचे आए नंबर से आप इन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, आप वहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हर बार की तरह शुरू करता है सामने से। तो सबसे पहले यहाँ हमें LED हेडलैम्प देखने को मिलता है, इंडिकेटर्स हमें हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है, और मडगार्ड की बात करें तो फाइबर का मडगार्ड दिया गया है। साइड में हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिलता है कुछ रेक्टेंगुलर शेप का। सिंगल डिस्क मिलता है, ये सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट है और इसका जो प्राइस है एक शोरूम लगभग 1,18,000 के आसपास, और अधिकारी ऑटोमोबाइल जडेसर में हमें अप्रॉक्स 1,47,000 के आसपास पड़ता है ये बाइक। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो ये सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट है, सिंगल चैनल ABS मिलता है हमें यहाँ पे। फ्रंट व्हील की बात करें तो फ्रंट में हमें 17 इंच का व्हील मिलता है और 80x100 इसका टायर प्रोफाइल है। अभी आपको क्लियरली दिखेगा, हाँ 80x100 है इसका टायर प्रोफाइल। और साइड में आते हैं तो साइड में यहाँ पे होंडा की बैजिंग देखने को हमें मिलता है और SP की बैजिंग यहाँ पे, 160 की बैजिंग यहाँ पे। तो अभी आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो यहाँ पे हमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है कुछ इस तरह का। यहाँ पे गियर इंडिकेशन, ये RPM मीटर, और यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे हमें टाइम देखने को मिलता है, और इस वाले बटन से हम इस टाइम को कंट्रोल भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये प्रेस करके। बाद में दिखाएंगे किसी और दिन। और कंट्रोल्स हमें मिलता है यहाँ पे, हेडलैम्प की कंट्रोल्स, यहाँ पे पासिंग की, ये इंडिकेटर्स के लिए, हॉर्न के लिए, यहाँ पे इंजन किल, और ये वाला स्विच हैजार्ड लैम्प है, ये यहाँ पे ये मैंने ऑन किया और ये जल गया, और ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट के लिए। और फिर आते हैं फ्यूल टैंक पे, 12 लीटर का फ्यूल टैंक हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। और इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें हमें 162.71 cc का इंजन मिलता है एयर कूल, जो अप्रॉक्स 13.25 bhp और 14.5 nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 177 mm की हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, और इस बाइक की कार्ब वेट जो है वो अप्रॉक्स 139 kg की आसपास। और इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ साथ हमें किक स्टार्ट भी देखने को मिलता है यहाँ पे, ये पिलियन फुटरेस्ट के लिए, ये एग्जॉस्ट नोट, एग्जॉस्ट दिखता है कुछ इस तरह का। एग्जॉस्ट नोट भी सुनाते हैं आपको एक बार, ऐसा है कुछ एग्जॉस्ट नोट इसका। थ्रॉटल दूँ तो हाँ, तो ये एग्जॉस्ट नोट हो गया। रियर में हमें मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है, फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है रेगुलर वाला। और रियर व्हील की बात करें तो रियर में भी हमें 17 इंच का व्हील मिलता है, यहाँ पे लिखा भी है का है, हाँ भाई यहाँ पे 17 इंच का व्हील मिलता है, और 130x70 इसका टायर प्रोफाइल है। और पीछे आते हैं तो यहाँ पे हमें टेल लैम्प LED के साथ मिलता है टेल लैम्प, और हेलोजन बल्ब के साथ हमें इंडिकेटर्स मिलता है, मडगार्ड हमें फाइबर का देखने को मिलता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है, और इस तरफ सारी गार्ड हमें मेटल का मिलता है, यहाँ पे पिलियन फुटरेस्ट, और ये सीट आप खोल भी सकते हो। और अंडर सीट स्टोरेज कितना मिलता है एक बार सीट खोल के देख लेते हैं। ये मैंने चाबी लगाया, अरे किधर से खुलता है, हाँ खुल गया। तो ऐसा है सीट के नीचे, और चेन कवर हमें मिलता है कुछ इस तरह का, सिर्फ ऊपर की तरफ, नीचे हमें नहीं मिलता। बाकी SP125 या फिर बाकी बाइक्स में हमें जैसा मिलता है वैसा नहीं है, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है दूर से। और यहाँ पे साइड स्टैंड भी मिलता है, ये काफ़ी बढ़िया किया है होंडा ने, साइड स्टैंड भी दे दिया भाई, आजकल तो नहीं मिलता। और यहाँ पे गियर बॉक्स 5 speed का, 1 down 4 up, और यहाँ पे हमें मिलता है इंजन क्रैश गार्ड या फिर बुल गार्ड, अंडरबेली कवर कुछ भी कह सकते हो आप इसे। और फ्यूल एफिशिएंसी हमें इस बाइक में 50 के आसपास मिलना चाहिए, क्योंकि पावर के हिसाब से 50 के आसपास तो ज़रूर मिलेगा मेरे ख्याल से। माइलेज टेस्ट किसी और दिन करेंगे, तो चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो भाई फीचर्स तो मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है इस बाइक पे, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बात करें इस बाइक पे और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे इस बाइक पे एक चार्जिंग पोर्ट तो देना चाहिए था मेरे ख्याल से। और पावर की बात करें तो अंडर पावर तो ज़रूर फील होगा 160 cc सेगमेंट के हिसाब से, पावर भी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था इस बाइक पे। और ओवरऑल बाइक की लुक की बात करें तो कुछ हद तक आपको SP125 की तरह ही दिखेगा,
कलर स्कीम से लेके ओवरऑल लुक एसपी 125 से इंस्पायर्ड है ये बाइक। तो भाई अभी आते हैं कंक्लूजन पे कि इसके कंपटीशन में दूसरे जो बाइक्स हैं मतलब 160R Xtreme, NS160, RTR 164 भी, उन बाइक्स को छोड़ के आपको इसे क्यों लेना चाहिए या फिर इसे छोड़ के आपको उन बाइक्स को क्यों लेना चाहिए। तो इन उन बाइक्स को भाई जाने दो क्योंकि वो स्पोर्ट बाइक है, पावर आपको ज़्यादा मिलेंगी उस बाइक पे। ये बाइक अगर कंपटीशन दे सकते हैं तो सिर्फ एक बाइक को, वो है पल्सर 150, क्योंकि पावर के मामले में और प्राइजिंग के मामले में दोनों का बराबर है। अगर आपको एक कम्यूटर बाइक चाहिए डिसेंट दिखने वाला BS6 फेस 2 में, तो भाई आप SP160 में जा सकते हो। या फिर आपको सिंपल सा एकदम लुक चाहिए, पहले भी जैसा था अभी भी ऐसा ही वैसा वाला लुक चाहिए, तो भाई आप पल्सर 150 में जा सकते हो। लेकिन SP160 में आपको पल्सर 150 से काफ़ी कुछ ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED टेल लैम्प, LED हेड लैम्प, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा मिलता है पल्सर 150 से कंपेटिवली। तो बस वीडियो यही तक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।